हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 7 और हम इस वीडियो में कवर करेंगे जीके के 35 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। उन सभी का हम कर रहे हैं फटाफट रिवीजन जो अब तक हमने पढ़ा अपनी लूसेंट बुक में से। लूसेंट नीली वाली बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर आपने जो भी अपने नोट्स बना रखे होंगे अपनी क्लास नोट्स, या किसी एक स्टैंडर्ड बुक में से आप रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी आपने अब तक पढ़ा, इस वीडियो के माध्यम से आप खुद को ये चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये होते हैं 11। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो ये है आपकी मिस्र सभ्यता। और किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो वो था आपका गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। महाकवि कालिदास ने। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। और अगला है पॉइंट नंबर 8 कि कौन सा राज्य है भारत के बृहत प्रायद्वीप या पठार का भाग नहीं है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। पॉइंट नंबर 9, खैबर दर्रा स्थित है कहाँ पर, तो ये है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। पॉइंट नंबर 11 है, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका नासिक। क्वेश्चन नंबर 13, कोयना बांध स्थित है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और पॉइंट नंबर 14 है, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 15, हिमानी मतलब ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, मतलब स्थित रहता है, लबालब रहता है उससे। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी, तो ये की थी वास्को डी गामा ने। पॉइंट नंबर 18, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के मध्य। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में। अगर बात करी जाए सेकेंड वर्ल्ड वार, आपको याद होना चाहिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो समाप्त हुआ था जापान के ऊपर, जो अमेरिका ने बम गिराए थे, उन दोनों बम का नाम क्या है, और साथ में वो वर्ष मंथ डेट डेट मंथ ईयर, ये आपने मुझे भेजनी है कमेंट बॉक्स में लिख करके, जिससे कि मुझको ये चल जाए पता कि आपने पिछले वीडियो देखे हैं फिर नहीं देखे, अगर देखे हैं तो आपको कितना याद रहा। तो पिछले वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करा भी था, डेट आपको बताई थी, मंथ आपको बताया था, वर्ष आपको बताया था, और बॉम के क्या नाम है वो भी आपको बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि मुझको इसका कमेंट्स जरूर मिलेगा, देखते हैं कितना भूले कितना याद रहा। क्वेश्चन नंबर 20, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी, तो ये थे बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा फूले ने। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यह है दादा भाई नरोजी। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, मार्च 12, 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। देखिए गांधी एरा जो भी है, मतलब गांधी से संबंधित जो भी उनका काल रहा है, कब वो भारत आए थे 1915 में, उसके बाद में 1948 तक उन्होंने जो भी करा, गांधी जी को गोली लगी थी 1948 में, तो 1915 से लेकर के 1948 तक का काल जो होता है वो कहलाता है गांधी युग, गांधी काल। तो उससे संबंधित जो भी उन्होंने आंदोलन करे हैं, जैसे कि भारत में वापस आए थे 1915 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में हुआ था, चोरी चोरा कांड आपको पता होगा कब हुआ था, कब हुआ था पता है आपको,
ठीक है, 7 अगस्त 1930 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और गोलमेज सम्मेलन सेकंड में उन्होंने भाग लिया था 1931 में। तो ये सब जो एक्टिविटी रही है A to Z, वो सभी आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी, तो वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए। ये सब होता है रिविज़न से। अगर आप रिविज़न करते हैं तो पॉइंट नंबर 25। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बस गांधी की जो भी एक्टिविटी है उनकी डेट को आप अपने नोट्स बना लीजिए, नोट करिए उसको। उस वहाँ से एक क्वेश्चन सबका पक्का बनने वाला है एग्जाम में। पॉइंट नंबर 25 है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद के विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो वो है 6,100 किलोमीटर। कृष्णा नदी के उद्गम स्थल किसके समीप है, तो यह है महाबलेश्वर। और पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ जाएगी, तब होगा चंद्र ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई, मुंबई से ठाणे के बीच में। 31, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे जो ऊंचा पद होता है वो होता है पायलट ऑफिसर। पॉइंट नंबर 33 है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या होता है, वो होता है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका एशिया। और क्वेश्चन नंबर 35 है, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, तो इसलिए बनती है ऋतु। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। सबसे पहले आप जाइए प्ले लिस्ट में, उसके बाद डिसाइड करें और उसके बाद सब्सक्राइब करें। भाई आप खुद तो चेक करें ना कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं है। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने का आपको कोई फायदा नहीं है। बाकी आपने जो ढेर सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आप उसमें से किसी भी 3 से 4 चैनल को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किताबों का ढेर लगाने से कोई फायदा नहीं है, ढेर सारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छा फायदा तभी होता है किसी एक चीज़ को आप ढंग से फॉलो कर लो, चाहे वो किताब हो या वो चैनल या फिर कुछ और, मतलब किसी के नोट्स, इंस्टीट्यूट के नोट्स। ठीक है, तो ढेर पे बिलीव मत करो, क्वांटिटी पे बिलीव मत करो, बिलीव करो केवल क्वालिटी पर। मेरी बातों पर विचार जरूर करिएगा जब टाइम मिले तब। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक